नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल के अंदर रोगों को हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल के अंदर बहुत सारे रोग लगते हैं। और सभी रोगों को अगर हमें रोकना है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी अच्छे कीटनाशक का उपयोग हमें करना होगा, जिसका उपयोग करने के बाद हमें लंबे समय तक हमने फसल को या हमने गन्ने की फसल को रोगों से बचा सकें। और यदि हमारी गन्ने की फसल रोगों से बची रहेगी तभी हम एक अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो टेक्निकल बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निकल है अब तक का। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया है। तो किसान भाइयों, ये जो है आपको कोरोजन हो, फटेरा हो, वर्टेगो हो, या फिर आपकी रिजेंट हो, कार्टेफ हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी की कोई भी दवा है, इन सभी दवाओं से ये ऊपर है। और सभी दवाओं का ये आप बाप के नाम से इसे मान सकते हैं, यानी कि आप इसे कोरोजन और फटेरा का बाप भी कह सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बारे में ये डिटेल वीडियो में बना के आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी कितनी कीमत मिलेगी, कितने रुपए का ये आपको मार्केट में मिलेगा, दिन में आपको इसका स्प्रे किस समय पर करना है, किस समय पर आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है, किस फसल में इसका क्या उपयोग है, और किसान भाइयों इसका उपयोग करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, कितना पानी लेना, पूरी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट का नाम है, ये सिंजेंटा कंपनी ने बनाया है, इसका नाम है वॉल्यूम फ्लेक्सी। किसान भाइयों, इसके अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं। पहला टेक्निकल है इसके अंदर थायोमेथोक्सम। तो थायोमेथोक्सम इसके अंदर 17.5% एसी फॉर्म में दिया गया है। और किसान भाइयों, दूसरा टेक्निकल इसके अंदर दिया हुआ है क्लोरेंट्रा नीली प्रोएल, यानी कि जो थायोमेथोक्सम है ये आपको सिंजेंटा कंपनी में अमिस्टार टॉप के अंदर ये टेक्निकल आपको मिल जाता है। और भी बहुत सारी कंपनियां थायोमेथोक्सम बनाती हैं। दूसरा इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है क्लोरेंट्रा नीली प्रोएल। ये टेक्निकल किसान भाइयों कोराजन के अंदर आता है और ये FMC कंपनी की कोराजन आपको मिल जाती है मार्केट में। तो इसके अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं और दोनों ही टेक्निकल बहुत ही एडवांस वर्जन के हैं। और दोनों टेक्निकलों को एक जगह मिक्स करने के बाद ये अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस केमिकल हमारा बन जाता है। अब किसान भाई बात करते हैं कि इसका जो उपयोग है वो हम गन्ने में किन रोगों पर कर सकते हैं या और भी फसलों में हम किन रोगों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, हमारे गन्ने के ऊपर सफ़ेद मक्खी लगती है या फिर तना छेदक होता है, थ्रिप्स होते हैं, या किसी भी तरह की कोई इल्ली होती है या किसी भी तरह का कोई कीट होता है, तो मैं आपको बता दूं सभी तरह की जितनी भी इल्लियां हमारी और फसलों में भी लगती हैं या फिर गन्ने की फसल में लगें या फिर कोई भी तरह का कोई कीट हमारी फसलों में यदि लगता है या गन्ने की फसल में कोई भी कीट लगता है तो सभी तरह के कीटों को ये मारने में सक्षम है, सभी तरह की इल्लियों को मारने में सक्षम है। लीफ हॉपर जो हमारी आता है ये और भी फसलों में आता है, इन सभी को ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये किसी भी तरह के रोग को ख़त्म करने में सक्षम है। इसलिए किसान भाइयों, आप इसका एक बार उपयोग करके जरूर देखें। इसका उपयोग करके आपको बहुत अच्छा रेट देखने को मिलेगा। जो किसान भाई कोराजन का उपयोग करते हैं वो किसान भाई एक बार इसका उपयोग करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कोराजन से भी अच्छा टेक्निकल है, क्योंकि कोराजन के अंदर सिर्फ क्लोरेट्रा नीली प्रोवेल दिया हुआ है और इसके अंदर दो टेक्निकल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा ये अच्छा काम करता है। किसान भाई एक बार आप इसका उपयोग करके जरूर देखें। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है। तो किसान भाई यदि मैं एक एकड़ गन्ने की मैं बात करता हूं तो गन्ने की फसल के अंदर लगभग आपको इसे 150 से लेके 200 ml प्रति लीटर, माफी चाहूंगा, 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होता है। अब बात करते हैं इसमें पानी की मात्रा आपको कितनी लेनी होगी। तो किसान भाई लगभग 300 से लेके 350 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करके अपने गन्ने की फसल को अच्छे से इससे भिगो देना है। अब बात करते हैं इसे किस समय पर आपको इसका स्प्रे करना है। तो किसान भाई इसका स्प्रे जो आप करेंगे वो शाम के नंबर में आपको इसका स्प्रे करना है। लगभग आप शाम को 3 से 4 बजे के बाद आपको इसका स्प्रे कर देना है। और एक बात का आप विशेष ध्यान दें, इसका स्प्रे करने से पहले आपको अपने गन्ने की अपनी फसल की सिंचाई अवश्य करनी है। सिंचाई करने के बाद ही आपको इसकी मात्रा का या इसका स्प्रे आपको अपने खेत के अंदर करना होता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, इसके जो प्राइस हैं इसके प्राइस क्या हैं, ये कितनी मात्रा कितने रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है। तो किसान भाई लगभग 700 से लेके 800 रुपए के बीच इसकी 100 ml की डोज आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसलिए अगर हम बात करें एक एकड़ के हिसाब से, तो अगर यदि आप 150 ml की मात्रा आप अपने गन्ने के अंदर लगाते हैं तो लगभग ये आपको 1200 से 1300 रुपए के आसपास आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाई यदि आपके गन्ने की फसल छोटी है तो आप लगभग 150 ml तक इसका
उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी गन्ने की फसल बड़ी है तो आपको इसकी मात्रा 200 ml भी लेनी पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग आप एक बार करके जरूर देखें। यदि मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट लगभग आपको 60 दिन तक अपने गन्ने की फसल के अंदर मिल जाता है। और यदि आप अपने गन्ने के अंदर नमी बनाकर रखते हैं, अपने गन्ने को सुखाते नहीं हैं, तो इसका उपयोग जो है, इसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट इससे भी ज़्यादा हो जाता है। 90 दिन 100 दिन तक भी इसका रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग फिर नहीं लग पाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आप एक बार इसका ट्राई करके जरूर देखें। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसके अंदर दो टेक्निक होने की वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक भी अच्छा काम करता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मेरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।